जब ये अनुभव मैंने उनको कराया, सचमुच एक अभ्यास में करता हूँ जो आप सीखने वाले हो, तो भाई अपने बेटे को लेके आया, बोला जल्दी भाई जी कुछ करो। मैंने कहा ले क्या करूँ? बोला हाँ कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा ये एक्सरसाइज करो, ये करो। तो करते ही वो भाई को हल्का लगने लगा, जो 3 साल से डिप्रेशन में था एकदम तो मुस्कुराने लगा। ऐसे ऐसे करा था, करने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने कहा अभी कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा के हो रहा था। तो क्या आप सब करना चाहोगे? पक्का? 3 बार भूल क्यों जाते हो? देखो अगर छत के ऊपर चढ़ना है, पहला स्टेप चढ़ना जरूरी है, तो दूसरा स्टेप ऑटोमेटिक पैर पड़ेगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है फरिश्ता बनने की, आपकी ब्रेन इतना लाइट शक्तिशाली हो जाएगा जो तीसरा दिन आपको महसूस हो गया, ऐसे कल शाम तक आप फरिश्ता बन जाएंगे। लेकिन एक एक चीज आपको करना है, तैयार हो? बोलो मैं। पूरा उठा ना, ऐसे नहीं, मैं महात्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं पवित्र आत्मा, मैं दिव्य आत्मा। मतलब किसी को तकलीफ हो रही है? मैं अरे मुस्कुराइए, मैं शक्तिशाली आत्मा, महान आत्मा, पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, वरदानी आत्मा, खुश नसीब आत्मा, मुस्कुराते हुए आत्मा। याद रखो, खींचे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21। देखो हमने विधायक किया कि बोले ना कि 21 जन्म के लिए नहीं, 84 जन्म के लिए 21 जन्म हमारी चेहरा कैसा रहेगा? रोज सुबह उठ के एक बार जरूर करना, करोगे? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता ही है।